हेलो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं रुमाना खान और आज हम बात करेंगे एक ऐसी इच्छा के बारे में, एक ऐसी लगन के बारे में, एक ऐसी चाह के बारे में, या कह लें एक ऐसे जुनून के बारे में जो देश के किसी न किसी कोने में देखने को ज़रूर मिलता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कुल 20 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं और उन करोड़ों लोगों में लाखों लोग गरीब हैं। हमारे देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, और उन्हीं गरीब लोगों में से हमें देश के किसी न किसी कोने में कुछ ऐसे शख्स देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ बनने का जुनून होता है, कुछ करने का जुनून होता है, पढ़ते पढ़ते हद से गुजर जाने का जुनून होता है। वो जिन्हें कुर्बान करना भी आता है और अपने सपनों को पूरा करना भी आता है, वो जो रोते तो हैं पर क्या आंसू दिखाई नहीं देते, वो जो अपने माँ बाप का सर हमेशा वक्त से ऊंचा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही हस्ती की। हम सब जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कोई काम करे, उसे किसी चीज़ की कमी हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं, कह ले गरीबी, जो हमसे ये सब कुछ करवाती है। माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा यूँ इधर उधर भटके या फिर उसे किसी भी चीज़ की कमी। लेकिन वो बहुत मजबूर हो जाते हैं अपनी किस्मत से। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपके पास लेकर आए। जो बचपन होता है ना, बड़ा ही चंचल और कोमल होता है। बच्चों की वो अवस्था सबसे नाजुक होती है। तब उन्हें एक अच्छी तालीम की जरूरत होती है, उन्हें प्यार की जरूरत होती है, उन्हें एक अच्छे माहौल में रखना बहुत जरूरी होता है। और हर माँ बाप यही करते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते और चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ बने। अब बच्चा इस दुनिया से अनजान है, अपने बचपन में मस्त है, खेल कूद में मस्त है। इस बात से अनजान है कि उसे आगे चलकर दुनियादारी निभानी है, माँ बाप की जिम्मेदारी निभानी है। दुनिया की हर मोह माया से वो भी अनजान है। अब बच्चा पढ़ाई के रास्ते पर आता है। ज्यादा गरीब है पर उसमें बचपन से ही एक जुनून है, कुछ करने का जुनून,
बदन पे पुराने कपड़े, पैर पे फटी चप्पल, फिर भी कोई शिकन नहीं उसके चेहरे पर। बच्चा है तो उसका हर बात को मन होता होगा, दूसरों के खेल खिलौने देखकर उसका भी मन होता है कि उसके पास वो खिलौने। दूसरे के पास कोई ऐसी नई चीज आती है तो उसका भी मन होता है कि उसके पास भी। क्या कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है भाई? टू व्हीलर है ना फोन। पर वो अपनी किसी भी ख्वाहिश को अपने आड़े आने नहीं देता, बस चलता जाता है, चलता जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, गली में ऐसे बहुत से लपंगे छिछोरे लड़के बैठे रहते हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे परेशान करते हैं। हाँ भैया, वही क्या हाल है? हाँ भाई, सही हाल है। अरे अरे ये जा रहा है, ए काम वाला जूते साफ कर, 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 साफ कर, जूते साफ कर, जूते साफ कर, चल चल चल। उसका मन अकेला सा, बेबस सा, न जाने क्या अकेले अकेले सोचता रहता है, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहता। दिन भर अपने माँ बाप का हाथ बटाता है, जूते पॉलिश करता है, न्यूज़पेपर घर घर जाकर बेचता है, धीरे घर में रात में एक मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई करता था। याद, तेरे पास तो बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, मम्मी ने शोपीस में रखी हुई हैं। यार, तू मुझे इसमें से एक बुक दे सकता है क्या? नहीं यार, मम्मी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था वो, पर उसके नंबर थोड़े से कम आ जाते थे, मैथ्स में थोड़ा वीक था क्योंकि वो गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्यूशन पढ़ सके। बेचारा मुंह लटकाता हुआ घर को चल देता था, कोई उसे तंग कर रहा है तो मुंह लटकाता हुआ चल देता था, एक नजर भी नहीं उठाता था। शान बेटा, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा सा मैथ में वीक हो, ट्यूशन लगवा लो तो आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। और एक दिन उसे अपने सपनों की उड़ान कहाँ भरनी है मालूम चल गया। और उसके बाद उसे अपने सपनों को
किस तरह से पूरा करना है वो सोचने लगा। रास्ते में आने वाली बहुत सी कठिनाइयों को कैसे पार करना है वो सोचने लगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपके सपनों को पूरा करने का जुनून आपके साथ हो तो कोई भी आंधी तूफान आपको रोक नहीं सकता। और एक दिन उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसने सफलता की एक सीढ़ी तो पार कर ली। ये जान अभी कायम है, ना बंदा अभी घायल है, एक आग लगी है सीने में, हाँ जोश में ये पागल है। जानता हूँ धरती पर हूँ, पर आकाश मेरा साहिल है, मेरे सपने मेरे साथी हैं, बस मुझ में ही काफी हैं। जो दुनिया चाहे बोल ले, ऊंच नीच के तराजू में तोल ले, मुझे गरीबी में ही सुकून है, अब रोक के दुनिया पाएगी जो मुझ में अब जुनून है। जिंदगी तू साथ दे मेरा, मैं तुझे अपना बना लूंगा, रास्ते में जो भी आए आने दो टकरा लूंगा, खेल खिलौने नहीं है तो क्या खुद से जी बहला लूंगा, है वक्त नहीं मस्ताने का, होगा जब मस्ता लूंगा। हूँ बच्चा मैं पता है मुझे, पर बचपन से ही संभालूंगा, मेरी माँ की कितनी ख्वाहिशें हैं तो अपनी ख्वाहिशों को दबा लूंगा, ये आज नहीं मेरा तो क्या कल को अपना बना लूंगा, जो झुका मेरे माँ बाप का सर तो कैसे नजरें मिला लूंगा, जो पाला है माँ ने चाहत से मुझे क्यों मैं उसे मिटाऊंगा। ऐ जिंदगी मेरा साथ तो दे, मैं ऐसे भी जी जाऊंगा, मेरे सपने मेरा अंदाज है इसे ऐसे सच कर जाऊंगा, जो बैठे हैं बेबस बनकर उनमें जुनून मैं भर जाऊंगा, मैं अपनी माँ का लाडला एक दिन इस दर्जे से आऊंगा कि देखेगी दुनिया भी ऐसे माँ तुझको खुशी से जैसे रुलाऊंगा।
सर।